दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए JMT न्यूज चैनल को और दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि आप देख पाए लेटेस्ट न्यूज वीडियोस सबसे पहले। शेयर मार्केट के गुर सीखकर एक शख्स करोड़पति बन गया। आज हम आपको दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला की सक्सेस के बारे में बताने जा रहे हैं। राकेश झुनझुनवाला के पिता शाम को अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने बैठते तो शेयर मार्केट की बात किया करते थे। उस समय राकेश की उम्र काफी कम थी, लेकिन फिर भी उसे इन बातों को सुनकर शेयर मार्केट में दिलचस्पी बढ़ रही थी। राकेश ने एक बार अपने पिता से पूछा कि शेयर मार्केट के रेट घटते बढ़ते क्यों रहते हैं। तब उनके पिता ने जवाब दिया कि जाकर अखबार में देखो ग्वालियर रेयान के बारे में कोई खबर आई है, पता करो कि क्या कल ग्वालियर रेयान की कीमतें बढ़ेंगी या घटेंगी। यहीं से राकेश की ट्रेनिंग शुरू हुई थी। झुनझुनवाला शेयर मार्केट में तब से निवेश कर रहे हैं जब सेंसेक्स 150 पर था। उन्होंने सबसे पहले टाटा टी के शेयर खरीदे थे और इसी के शेयर्स को बेचकर उन्हें पहली बड़ी कमाई हुई थी। इन शेयर्स से उन्हें एक बार में ही 5 लाख का फायदा हुआ था। राकेश ने इन पैसों को खर्च करने की बजाय टाटा टी के शेयर्स में ही लगा दिए और आज इनकी कीमत 50 करोड़ रुपए है। अपने करियर की शुरुआत के बारे में बात करते हुए राकेश झुनझुनवाला ने बताया कि उन्होंने अपने पहले साल में 60 रुपए के स्टाइपेंड पर काम किया था और दूसरे साल उन्हें 80 रुपए और फिर 90 रुपए का स्टाइपेंड मिला था। अपनी सक्सेस के बारे में बात करते हुए राकेश झुनझुनवाला कहते हैं कि वो रिस्क लेने से नहीं डरते हैं और इसी वजह से वो आज इतने सक्सेसफुल हुए हैं। उन्होंने बताया कि अगर नुकसान होता है तो मैं 10 मिनट तक ही उसका एहसास करता हूं और फिर आगे बढ़ जाता हूं। इनकी सक्सेस को देखकर एक बात तो समझ आ ही गई कि अगर सक्सेसफुल होना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा।